मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। और मैं लेकर हाजिर हूं हमारा आज का खास प्रोग्राम बॉलीवुड रियलिटी। बॉलीवुड रियलिटी में हम जिस तरह से बात करते हैं बॉलीवुड सितारों की जिंदगी के बारे में, उनकी रियलिटी के बारे में, तो वही आज हम आपको बताने वाले हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने किया है सलमान खान के बच्चे का खुलासा। और उन्होंने कहा है कि सलमान खान की होने वाली बेटी का रिश्ता होने वाला है बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे अबराम खान के साथ। ये बात आप सभी को हैरान जरूर कर रही होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो सलमान खान ठहरे कुंवारे, तो फिर भला उनकी बेटी कैसे हो सकती है। लेकिन बता दें कि हाल ही में जब ये तीनों रियलिटी शो में आने वाले हैं, उसी दौरान रानी मुखर्जी सलमान खान को काफी कुछ कहती है। और इसी दौरान वो उन्हें ये भी कहती हैं कि वो शादी वादी छोड़कर बच्चे पैदा ही कर ले। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये दोनों समधी बन जाएं एक दूसरे के, क्योंकि अबराम खान जो ठहरे बेहद ही क्यूट स्टार के, तो वहीं सलमान खान की बेटी का रिश्ता आने वाला है अबराम खान के लिए। अब इस तरह से अगर देखा जाए तो शाहरुख और सलमान तो एक दूसरे के समधी बन चुके हैं और इन दोनों का रिश्ता बनाया है एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस खास प्रोग्राम में क्या कुछ खास है इन तीनों ही स्टार्स को लेकर, और रानी मुखर्जी ने क्या कुछ कहा है सलमान की बेटी, तो साथ ही साथ अबराम खान को लेकर। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अब जहां सलमान खान ठहरे कुंवारे, जहां उनसे होती है उनकी शादी की बात, और उनकी जिंदगी में भी कई हसीनाएं मार चुकी हैं, बावजूद इसके वो हैं कुंवारे और नहीं की है आज तक शादी। ये तमाम तरह की बातें तो अक्सर ही आप सुनते होंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के बारे में। वही बता दें कि अब इन दिनों जहाँ सलमान, एक्ट्रेस रानी मुखर्जी और शाहरुख खान को लेकर लगातार ही चर्चाओं में बने हुए थे, तो वहीं रानी ने जहां उनको ये कहा कि शादी वादी छोड़ो और बच्चे पैदा करना शुरू कर दो, इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सलमान खान की बेटी हो और अगर उनकी बेटी होती है तो वो उनका रिश्ता शाहरुख खान के बेटे अबराम खान के साथ कराएंगी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बता दे कि सलमान खान के टीवी रियलिटी शो 10 का दम अक्सर ही लोगों के बीच चर्चाओं में बना हुआ है, और इस शो के फिनाले को खास बनाने के लिए मेकर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब से ये खबर सामने आई है कि फिनाले में सलमान खान के साथ शाहरुख खान और रानी मुखर्जी एक साथ नजर आएंगे, तब से ही शो की टीआरपी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ बता दें कि इस शो में रानी मुखर्जी सलमान और शाहरुख के साथ खूब मस्ती करते हुए नजर आएंगे। वहीं इस शो में रानी अपनी ख्वाहिश का भी जिक्र करती है और सलमान खान से कहती है कि वो चाहती है कि सलमान की बेटी हो। रानी यही नहीं रुकती, इसके आगे वो कहती है कि अगर सलमान की बेटी होती है तो वो अबराम और सलमान की बेटी का रिश्ता कराएंगे। और इस बात पर सलमान और शाहरुख की शक्ल देखने लायक होती है, क्योंकि इससे तो ये मतलब साफ है कि सलमान और शाहरुख बनने वाले हैं समधी। गौरतलब है कि इससे पहले रानी सलमान से कह चुकी है कि सलमान तुम शादी वादी छोड़ो यार, सीधे बच्चे पैदा कर लो। सलमान खान रानी की यह बात सुनकर चौंक जाते हैं, तब वहां बैठे दर्शक भी खूब हंसते हैं। दरअसल यह पूरा सिलसिला एक गेम से शुरू होता है, जिसमें शाहरुख और सलमान को गुड्डा गुड़िया को डायपर पहनाना होता है। शाहरुख तो इस रेस में हार गए, लेकिन जैसे ही सलमान डायपर पहचाने में जीते जाते हैं, तो झट से रानी कहती है कि सलमान तुम तो शादी छोड़ ही दो और बच्चे ही पैदा करने लग जाओ। हालांकि ये शो काफी एंटरटेनिंग है, तो वही रानी और शाहरुख इस बार सलमान खान के शो पर रौनक लगाने वाले हैं। वहीं अब इस बात को सुनकर भी हर कोई खूब हैरान हुआ है, जब रानी ने सलमान को कहा कि वो उन्हें शाहरुख का समधी बनाना चाहती है। अब जाहिर सी बात है कि शाहरुख खान के लाडले और छोटे बेटे अबराम खान, जो क्यूटनेस में हर किसी को मार देते हैं, अबराम खान को देखकर कोई भी उन्हें अपने घर का दामाद बनाने की सोचेगा। अब जाहिर सी बात है कि रानी मुखर्जी ने ये सलाह किसी दूसरे के दिमाग में आने से पहले ही सलमान खान को दे डाली कि बेटी होने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ अबराम से ही उनका रिश्ता कराए।
इस बात पर हर कोई खूब मस्ती करते हुए दिखाई दे रहा है। और जब से इस शो का ये प्रोमो रिलीज हुआ है तभी से ही यह काफी चर्चाओं में बना हुआ है। अब इससे ये बात तो साफ है कि ये शो लोगों के बीच जिस तरह से चर्चा में बना हुआ है उसी तरह से ये तीनों एक दूसरे के साथ खूब मस्ती कर रहे हैं। इसी के साथ इन तीनों की पर्सनल बॉन्डिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग साबित हो रही है। शाहरुख, रानी और सलमान एक दूसरे के बेहद करीब हैं। अब अगर बात की जाए रानी मुखर्जी के बारे में, जो फिल्म हिचके से बॉलीवुड में कमबैक कर चुकी है, सफलतापूर्वक कमबैक के बाद वह फिर से फिल्मों में नजर आ सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान भी फिल्म जीरो को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। अब अगर बात की जाए सलमान खान के बारे में, तो उस पर तो हमेशा ही लोगों की नजरें बराबर बनी रहती हैं कि सलमान भाई जान आखिरकार कब और क्या कर रहे हैं। तो जहां इन दिनों फिल्म भारत की शूटिंग में व्यस्त है, वहीं सलमान खान अपने आने वाले शो बिग बॉस को लेकर भी चर्चा में पड़े हुए हैं। और हाल ही में इस शो की कॉन्फ्रेंस रखी गई गोवा में, जहां पर शो के कंटेस्टेंट का भी नाम सामने आया। अभी तीनों ही स्टार्स किसी ना किसी अलग अलग बात के चलते चर्चा में बनी हुई है, लेकिन तीनों को इस शो के सेट पर देखना लोगों के लिए काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये तीनों आएंगे साथ तो मस्ती होना तो लाजमी सी बात है। वेल, अब देखना ये होगा कि शो टीवी पर आने के बाद दर्शकों को कितना लुभाता है। वहीं रानी मुखर्जी की मस्ती भी देखने लायक होगी जब वो सलमान को लेकर हर कहीं ताना मारने से बाज नहीं आती है और शादी से लेकर बच्चों तक की बात उन्हें कह डालती है मजाक मजाक में। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अब तो आप समझ गए होंगे कि जहां सलमान खान ने नहीं की है अब तक शादी, लेकिन रानी मुखर्जी को तो है इंतजार उनके बेटी होने का, क्योंकि बेटी होने के बाद वो कराने वाली हैं उनकी बेटी की शादी बॉलीवुड स्टार किड अबराम खान के साथ। हालांकि ये काफी क्यूट सी बात है, लेकिन जिस समय पर रानी मुखर्जी ने ये बात कही उस समय शाहरुख और सलमान का मुंह तो देख नहीं लायक था, क्योंकि अगर दोनों समधी बन जाते हैं एक दूसरे को तो दोनों की दोस्ती एक मिसाल ही कायम कर जाएगी। वेल, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि सलमान कितनी जल्दी शादी करते हैं, तो साथ ही साथ अगर उनकी बेटी होती है तो क्या वाकई वो शाहरुख खान के घर की बनेगी बहू। वेल दोस्तों, ये था हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।